समंदर किनारे शबाब, इश्क और वो वाले कामों को अंजाम देने के अपने ही अलग मजे हैं। वो क्या कहते हैं ना, डेस्टिनेशन सेक्स। अगर आप हिंदुस्तान में ही रहते हुए हवाई और बैंकॉक जैसे देशों के मजे लेना चाहते हैं, तो मुस्कुराइए, आप गोवा में हैं जनाब। जी हाँ, लेट्स एक्सप्लोर टीवी की इस गाड़ी में आप सवार हो चुके हैं। खाली चाबी घुमाकर इंजन को स्टार्ट करने की देरी है और आप अपने आप को समंदर से घिरे इस हसीनाओं के शहर में पाएंगे, जहाँ गुलछर्रे और गुब्बारे दोनों ही उड़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं इस सफर का पहला दौर, जिसमें आप जानेंगे गोवा से जुड़ी कुछ बेहद ही अहम जानकारियाँ। तो दोस्तों, आगाज करते हैं आज के इस नए एपिसोड का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये है हमारा प्यारा देश भारत, और इसी अजर, अमर और अखंड देश का एक भाग है ये स्थान। वास्तव में गोवा भारतीय संघ यानी इंडियन यूनियन में मौजूदा 28 में से एक स्टेट है, राज्य है, प्रांत है। आई एम श्योर एज ए इंडियन इन सब बेसिक चीजों पर तो आपकी मालूमात होगी ही, मगर क्या आप ये बात जानते हैं, सन 1961 तक अपनी आजादी से पहले तक गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। इन पुर्तगालियों ने गोवा पर तकरीबन 450 सालों तक राज्य किया, और उसके बाद राम मोहन लोहिया और उन जैसे ढेरों नेताओं के एवज और कार्यकर्ताओं ने अपने प्रयासों से गोवा को आजाद किया। ऑफिशियली ये रियासत का विलय भारत में 1962 में हुआ था, जब आखिरी पोर्टुगेसेस इंडियन व्यापारी मैनुअल एंटोनियो वेसल ई सेल्वा ने भारत के सरकार के इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दस्तखत किए। दोस्तों, शुरुआती दौर में इस स्पेशल रीजन को भारतीय संघ में एक यूनियन टेरिटरी का ही दर्जा मिला था, मगर लगभग 25 सालों बाद सन 1987 में ऑफिशियली भारत का एक राज्य बना दिया गया था। आज की डेट में गोवा बाकी और राज्यों की तरह ही एक इंडियन स्टेट है। इस राज्य के पास अपनी खुद की राज्य सरकार, विधानसभा और पुलिस बल मौजूद है। इस राज्य की राजधानी पुराने वक्त से ही मशहूर दरिया के किनारे बसा मशहूर शहर पणजी है, और यहीं इस शहर से संबंधित सरकारी महकमों और मुलजिमों को रिहाइश भी मिलती है। लिहाजा गोवा आज भी महाराष्ट्र का मुंबई हाई कोर्ट शेयर करता है, मगर इसका अपना एक अलग ही कैंपस है, जो फिलहाल सूबे की राजधानी पणजी में स्थित है। आइए अब एक नजर डालते हैं गोवा राज्य से आने वाली कुछ फेमस पर्सनालिटीज पर। दोस्तों, इस मामले में आपको बता दें कि गोवा भारत देश को कई एक से बढ़कर एक मशहूर शख्सियतें दे चुका है। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा राज्य के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पार्किकर, और 80-90 के दशक की विख्यात गायिकाएं दो बहनें लता मंगेशकर और आशा भोसले, केमिकल इंजीनियर और एनसीएल के पूर्व अध्यक्ष रहे रघुनाथ मासेलकर, और मशहूर उद्योगपति वासुदेव सालगोकर। वहीं दोस्तों, इस राज्य से आने वाले कुछ फेमस बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बात करें तो मॉडल अंजलि मेंडेस, पीजेंट कैंडिस पिंटो, मिस वर्ल्ड रही रेटा फारिया, छोटे पर्दे की अदाकारा वर्षा उसगोनकर जैसे नामी लोगों ने गोवा की धरती पर जन्म लिया है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को कर ज्ञान का कोटा पूरा कर लेने पर अब बारी है कुछ घूमने फिरने और मौज मस्ती की बात करने की, जिसमें कि सबसे पहले आइए जानते हैं गोवा घूमने आने का सबसे सही वक्त और जरिया। दोस्तों, अगर आप हाल फिलहाल में गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो ये जानना आपके लिए बेहद ही अहम हो जाता है कि यहाँ आने और आकर पूरा लुफ्त लेने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गोवा एक गजब का स्थान है। यहाँ साल भर वेदर यानी मौसम का हाल अलग अलग होता है। यहाँ मार्च और मई के बीच का तापमान 25 से 35 डिग्री के आसपास रहता है, और मोस्टली टाइम सनी वेदर रहता है। तो वहीं नवंबर मार्च के वक्त तापमान 21 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक रहता है, मगर सूरज ज्यादा गर्माता नहीं
और धीमे धीमे चल रही ब्रिज बीच सिटिंग से लेकर शकिंग तक के सभी एक्सपीरियंस को बेहद ही खुशनुमा और मजेदार बना देता है। वहीं अगर आप गोवा आने के लिए यात्रा के साधन को लेकर उलझ से गए हैं तो जान लीजिए कि अगर आप गोवा के पड़ोसी राज्यों जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका वगैरह से हैं तो बाय रोड एक लॉन्ग ड्राइव लेते हुए यहाँ आए, पर वहीं अगर आप नॉर्थ इंडियन यानी उत्तर भारत से हैं तो यकीन मानिए बाय एयर यानी फ्लाइट लेना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अंदाजे के लिए आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली से गोवा जाने वाली एक फ्लाइट की इकोनॉमिक क्लास की टिकट का दाम 3 से लेकर 5 हजार रुपए के बीच में है। खास बात ये है कि गोवा को सबसे बेस्ट कपल डेस्टिनेशन के तौर पर कंसीडर किया जाता है, और अगर आप अनमैरिड हैं तो प्री मैरिटल ट्रिप गोवा के लिए प्लान करनी तो बनती है, मगर आप अगर सिंगल हैं तो भी परेशान ना होइए क्योंकि ये हसीन शहर आपको भी निराश नहीं होने देगा। दरअसल यहाँ लड़कों की भी रातों को रंगीन बनाने के फुल इंतजाम होते हैं। इनफैक्ट इस जगह पर भी बाकी जगहों की ही तरह प्रॉपर रेड लाइट एरियाज हैं। यहाँ इन मनचलों का मन बहलाने के लिए एक से बढ़कर एक हसीनाएं बिल्कुल तैयार होती हैं। बाकी खर्चा तो आपके शौक और कॉम्फर्टेबली पर डिपेंड करता है। आप जिससे रात भर के लिए सेट हो गए वही आपकी माशूका और आप उसके मजनू। ये शहर मेनली जाना जाता है अपने बीचेस यानी समुद्र के किनारों के लिए, और अगर यहाँ आए और बीचेस पर नहीं गए तो यहाँ आए ही क्यों। खैर आइए अब एक नजर यहाँ के कुछ बेस्ट विजिट और फेमस बीचेस पर भी डाल ही लेते हैं। गोवा आने की सूरत में आप इन 5 जगहों पर विजिट जरूर करें। नंबर 1 पोलोमियम बीच, नंबर 2 बागा बीच, नंबर 3 कैंडोलिम बीच, नंबर 4 कालाग्यूट बीच, नंबर 5 अरामबोल बीच। वेल, इस छोटी सी लिस्ट में भी उलट यहाँ ढेरों बीचेस हैं जिन्हें पर्सनली आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर वहीं अगर आप चमक धमक और बिकनी पहनी लड़कियों से भरी पार्टी नाइट से उलट फुल फैमिली के साथ यहाँ घूमने आ रहे हैं तो आर्च ऑफ विक्री, आर्च ऑफ आदिल शाह प्लेस, चर्च ऑफ अगस्टाइन और अगुडा फोर्ट को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये रंगारंग सफर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर से कर दें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप PDF और अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कंट्री फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और न्यू कंट्री फैक्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।